दिल्ली सांसद बनाकर भेजना है या नहीं भेजना है, तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम जय, श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता पद्म भूषण श्रीमान करिया मुंडा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नीलकंठ मुंडा जी, श्री कोचे मुंडा जी, आजसू के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री सुदेश महतो जी, श्री बाल मुकुंद सहाय जी, श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार राय जी, श्री ओम प्रकाश कश्यप जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे मेरे कैबिनेट के साथी श्रीमान अर्जुन मुंडा जी। जोर से ताली बजाओ अर्जुन मुंडा जी के लिए भाई। और आज खूंटी की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को मन पूर्वक प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। देवड़ी धाम, वन दुर्गा माँ, वागचंडी, केतुंगा धाम और राम रेखा धाम को भी मन से प्रणाम करने की बात करता हूं। भाइयों बहनों, आज अक्षय तृतीया है। आज के ही दिन प्रभु जगन्नाथ का रथ बनने की शुरुआत होती है और आज के ही दिन देश के कई हिस्सों में किसान भाई अपने खेत को संभालने की शुरुआत करते हैं। मैं देश भर के किसानों को अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, सरदार गया मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, वीर शहीद बुधू भगत, पोटो हो, सिद्धो कानू, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो जानो, देवी माकी मुंडा को मन पूर्वक याद कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, जब मैं यहाँ आया हूँ तब यही भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत में सबसे पहले अंग्रेजों को निकालने का आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। भाइयों बहनों, उस आंदोलन ने यहां से लेकर नागपुर तक और समग्र देश के अंदर एक क्रांति की ज्योति शुरू की थी और भगवान बिरसा मुंडा ने यही आंदोलन के माध्यम से देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जन चेतना शुरू किया था। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती आएगा। मोदी जी ने वो वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष, आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहने आया हूं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप जिस कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी सालों तक
झारखंड की रत्ना को रोक कर रखी। झारखंड राज्य कब बना? जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने हमारे झारखंड को बनाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और भाइयों बहनों, अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी झारखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में सालों से कांग्रेस के राज में आदिवासियों का पूरा उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। पूरा आज अर्जुन मुंडा जी जिस मंत्रालय के मंत्री है, वो मंत्रालय ही नहीं था, आदिवासी कल्याण मंत्रालय गृह विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के पास था। अटल जी ने जनजाति आयोग और जनजाति मंत्रालय का गठन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों बहनों, आज यहां राहुल बाबा आकर जनजाति कल्याण की, आदिवासी कल्याण की बात करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 75 साल तक कांग्रेस 6 दशक सत्ता में रही, कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति आपने बनाया क्या? मैं कांग्रेस पार्टी को सीधा पूछना चाहता हूं, इतने सालों तक आदिवासी को प्रतिनिधित्व देने का आपको नहीं याद आया? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के जमाने में जल, जमीन और जंगल तीनों पर नक्सलवाद का छाया छाया हुआ। झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य नक्सलवाद के साए में थे। पर ये नक्सलवादी पशुपति तू तिरुपति का नारा लगाते थे और इसके कारण ही इतने सालों तक इस क्षेत्र में विकास नहीं आया। आपने दो दो बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त कर विकास की गंगा बहाने की शुरुआत करी है। भाइयों बहनों, मैं आज डंके की चोट पर यहां कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, बुरा पहाड़ पर इतने सालों के बाद रेशन कार्ड बटे, दवाइयों की दुकानें खुली, अब पब्लिक हेल्थ सेंटर भी बन रहा है, ये काम हमारे मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। अभी मैंने जो सारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया, वो सभी के लिए देश भर में 10 स्पेशल सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम 200 करोड़ के खर्चे के साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, आज मैं हिसाब भी देना चाहता हूं, पूरा जीवन आदिवासी भाई बहन कांग्रेस को वोट देते रहे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जरा हिसाब दे, कांग्रेस की अंतिम सरकार 13-14 में थी, आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट क्या था? आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट सिर्फ 29,000 करोड़ था। भाइयों बहनों, इतने बड़े देश में करोड़ों आदिवासियों के लिए
केवल और केवल 29,000 करोड़ का बजट था। नरेंद्र मोदी आए 10 साल में 29,000 करोड़ के बजट को 1,33,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सिकल सेल को समाप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन शुरू किया और उन्होंने 740 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए। 1,00,000 बच्चे इन स्कूलों में एनरोल्ड हुए और आने वाले दिनों में 40,000 आदिवासी शिक्षकों का भर्ती का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे आदिवासी क्षेत्र से जो खदानें जाती थी, खदानें होती थी, इसमें से एक हिस्सा आदिवासी गांवों के विकास के लिए निकालने का कंपलसरी किया और वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम से याद निकलता है। देश भर में 88,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया और 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जातियों को उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया। भाइयों बहनों, आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, हिसाब लाइए, 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या किया? एक और 60 साल का कांग्रेस का हिसाब, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का हिसाब। मोदी जी का पलड़ा भारी है मित्रों, मोदी जी का पलड़ा भारी है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये 10 साल में ढेर सारे वर्षों से सुलझे हुए काम पूरे करे, जो काम उलझे हुए थे, सालों से उलझे हुए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, खूंटी वालों, मुझे जरा मन से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सालों से राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया गया, राहुल बाबा को कहा आइए आप प्राण प्रतिष्ठा, वो नहीं आए। आपको मालूम है क्यों नहीं आए? मैं बताऊं आपको क्यों नहीं आए, जानना है भाई? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो, उनकी वोट बैंक जो घुसपैठ कर आदिवासियों की जमीन कब्जाते हैं, बस्तियां बनाते हैं, वो उनकी वोट बैंक है। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठी है। आज आदिवासी गांवों के अंदर अपनी बस्तियां बना रहे हैं, आदिवासी बेटियों से चुपके चुपके शादी करने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, इनको अगर कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। मुझे बताओ खूंटी वालों, ये घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा रोक सकता है? कांग्रेस रोक सकती है?
केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। इस क्षेत्र की आबादी जनसंख्यिकी अगर बदलना नहीं चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए। मैं आपको कहकर जाता हूं, आप यहां पर भाजपा को जिताइए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, ऐसा झारखंड हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, एक खूंटी वाले मुझे बताए, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। 70 साल से धारा 370 को कांग्रेस पार्टी बचा कर रखी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये लोग ना नक्सलवाद समाप्त कर सकते, ना आतंकवाद समाप्त कर सकते, ना आदिवासी भाइयों बहनों का, पिछड़े वर्ग का, गरीबों का कल्याण कर सकते।